लड़ाई घर में हमारे बदनसीबी की लानत है, कभी हम उनको कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू? डू, मैं इस मकान का मालिक हूँ। अरे लानत भेजो मकान पर उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, तेरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ। तू कौन सी लाऊं जी, घोड़ा छाप या बैल छाप? अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है, जिसमें भाप निकलती वो लेकर जा। मगर पैसे तो दीजिए। अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसे भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा। एडजस्ट करके अभी लाता हूँ। अबे ओ हराम पुर की औलाद, शर्म नहीं आती बीड़ी लाने जा रहा है? ये क्या, तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है? तो फिर काहे के लिए आया? मकान खाली करना है। मगर तुम तो अपने मकान में रहते हो, खाली क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है। हमें? अरे माना कि तुम जलील हो, लिचड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है, तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं नहीं, हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ। मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई, चलो जान छूटी तुमसे। मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिचड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या कि हमसे मिल ले, फिर हम किराया उसको देंगे। हाँ चलो जाओ। अरे फकीर चंद जी, बड़े दिनों बाद आए, सब ठीक तो है ना? ये कौन है? अरे विनोद, ये मुझकी मुंडाई, और ये लाल बनियान, ये चौकड़ी वाली लुंगी, ये हाथ मिलाटी, तू तो एकदम गुंडा लग रहा है। लगा से मतलब ये है ही गुंडा? क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे ऑफिस में चपरासी का काम करता है, रोज सबसे मार खाता है, मेरे पास रोता हुआ आता है। ए क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये साहब मेरे को बोले कि इनको आपके घर का रास्ता दिखाओ, वही मैं दिखाने को आया था। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। अबे ओ! और बताइए फकीर चंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों, ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए, किराया देने वाले क्या किराया देते हैं? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना, पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए? मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही, अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीर चंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया, अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दुम शुमारी है ना, जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वही का वही रह गया, इसलिए नहीं बढ़ाया। क्या धर्मराज, उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पता नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिंब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो उसमें मेरी नहीं तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। इन लोगों की हिसाब का जरा बिल तो बनाई दियो। और तुझ जैसा जो भी आए उसका मुफ्त में हिसाब किताब कर दिया करूं। ये ले शारदा का बिल, ये प्रताप का बिल, जाओ घंटी बजाओ और वसूल कर लो। जी बाबू जी, जी। कौन है भाई? बिजली, तुझे कितनी बार मैंने ताकीद की है कि जब सुबह कपड़े लेने आया कर तब मेम साहब को जगाया कर, और जब शाम को कपड़े देने आया कर तब मुझे बुलाया कर। हाँ हाँ जानत है बाबूजी, जानत है, हमरी याददाश्त के धोबी घाट पर सब छपा हुआ है, मगर तुमको इसलिए बुलाया है कि आज कोई ऐसा वैसा सुबह नहीं, आज तो 2 तारीख है, 2 बिल चुकाने का दिन। अरे हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, 2 तारीख की तरह बिल चुकाना, लेकिन ये सारे के सारे बिल तुम मेरे हाथ में क्यों थमा रही है? मुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ अपना बिल दूंगा, बाकी के बिल तुम्हें सब दिया। अरे ठीक है, इमा भट्टी के कोयले की तरह लाल होने की क्या जरूरत है, तुम अपना बिल चुकाई क्यों, उनका बिल हम नहीं लेंगे। बीबी जी बिल क्या है, आप अपने बिल में झांकिए। हां झांकता हूं, ये बिजली तुम्हारे पैसे। अच्छा बाबूजी, ये मेरा नहीं है। है? अरे बिजली, मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया? हाँ क्या, कल सुबह आकर ले जाना। अरे बीबी जी, ये बिल ये मेरा नहीं है। अरे बीबी जी, है ए लियो, कपड़ा ई के घर का धुला था और बिल देने को कौन तैयारी नहीं। बाबूजी
अखबार बाजत हो? नहीं, पहली क्लास की परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बाबूजी, हम तुमका एक और तकलीफ देने आए हैं। तुम्हारा बेटा तो अपना बिल दे दिया, बहू ने बिल देने के लिए कल बुलाया है, मगर बाबूजी, बाबूजी ये जो बिल है ना, इसको चुकाने का कोई नाम ही नहीं लेवत। जाहिर बात है, बेटे ने सोचा होगा कि बाप रिटायर होकर बैठा है, उसके सर पे थोप दो। ला बिल्ला, मैं अभी फैसला करता हूँ। जी बाबूजी। क्या है पिताजी? आप और ये बेल? बेल नहीं, बिल। कौन सा बिल? ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? दिन रात नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हो। 8 साल पहले तुम दोनों की शादी हुई थी, ये मालूम है। तुम दोनों मियां बीवी हो, ये मालूम है। 5 साल की तुम्हारी एक बच्ची है, ये नहीं मालूम। और वो बच्ची सीमा घर की सीमा से बाहर हॉस्टल में रहती है, ये भी नहीं मालूम। अरे कुछ दिन पहले वो बच्ची अचानक तुम दोनों को मिलने के लिए आई थी, जोरों की बारिश हो रही थी, सर से पांव तक भीगी हुई थी, और वो भीगे हुए कपड़े मैंने धुलने के लिए दिए थे, ये तो मालूम है। सॉरी पिताजी, मैं जरा भूल गया था। किसको? बिल्कुल, या बच्ची को? तेरे मेरे के चक्कर में दुनिया ऐसी फंसी है कि अपनी असलियत भूल गई। मैं जानता हूं कि दोनों नौकरी क्यों करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, लेकिन उस मासूम बच्ची को हॉस्टल में दाखिल करवा देना, उसके बाद उसे भूल जाना, ये कहां का इंसाफ है? बिचली तू बता, जब एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो कितनी दीवानी हो जाती है, इसलिए उसका दिल बहलाने को उसके सामने घास का बछड़ा बना के रख दिया जाता है, ताकि वो उसके गम में मर ना जाए। लेकिन बिचली तूने कभी जिंदा बछड़े को भुला देने वाली दो घास की गायों को देखा है? नहीं। तो अब देख ले। झटके क्यों मार रही हो? बाल धोए है ना, इसलिए। खुशी की बात है। नाश्ता तैयार करूं? शुभम शुभम, क्या बनाऊं, कीमा या ऑमलेट? खिचड़ी। मिर्ची की चटनी या खोपरे की चटनी? अचार। आम का या नींबू का? मिर्ची का। और सुनो, साथ में दाल। मूंग की या मसूर? चने की, चने की। अरे सुनो सुनो, सुन, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुर्ता दे दो ना। कौन से रंग का, सफेद या नीला? क्रीम। ये लो। कुर्ता ले आई। गुड गुड गुड। बाजार जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। खुशी की बात है। तो आते वक्त सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए फूल ले आऊं। शुभम शुभम। तो फूल कौन से ले आऊं, चंपा या गुलाब? चमेली। फूल लाने के लिए कह रही हूँ। भाई ये भी तो पूछ सकती हो कि क्यों रे, किस खुशी में? क्यों रे, किस खुशी में? दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। सीता, आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, सभी बच्चे अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए 2 महीने के लिए मेरी ट्यूशन की दुकान बंद। अब दोबारा स्कूल खुलने तक मेरी जेब फूल खरीदने की इजाजत देती या नहीं, भाई ये बात मुझे मालूम नहीं। ये है वो महापुरुष, उम्र 55 साल, मगर हर साल बेकार, बिना किसी मकसद के, बिना किसी काम के गली गली घूमते रहते हैं। मुंह में जो आया बक दिया, हाथ में जो आया खा लिया, और जो मिला उससे बेकार की बातें करके उसका सर दुखा दिया। पुराने जमाने की बीए की डिग्री है इनका नाम, विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री है। इन्होंने जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि पहले तो इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली, और जो मिली वो इन्हें पसंद नहीं आई। यहाँ से अच्छा नारियल ले गई, घर से सड़ा हुआ नारियल ले आई, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे बुढ़िया, 2 रुपए के लिए झूठ, चल अपना ईमान खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। अरे ओ माटी मिले, तू बेईमान, तेरे होते सोते बेईमान, भगवान करे तेरा सर इसी सड़े हुए नारियल की तरह सड़ जाए, तेरा भेजा सर कर पानी बनकर नाक कान मुंह से बह जाए। अरे जा जा, जिस दिन से ये दुकान खोली है उस दिन से सुबह से शाम तक लोग हजारों गालियां देते हैं, सड़ना होता तो कब का सड़ गया होता। ये चकली कैसे थी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपन में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे, क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा काम करो, 2 चकली दो तुम। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो। ये लीजिए।
मीठा घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, केलामू में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब, पैसे? कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे? अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है तो केले की कीमत चकली, और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहाँ से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब।